ही बेकार है, तो कुछ भी। आज हम आए हैं फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर आगे बना हुआ है और इतना सुंदर मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा था जिसमें हम अल्मोड़ा में चितई मंदिर, गोलजू मंदिर गए थे। उसके बाद हम बढ़े आगे को, क्योंकि हमें जाना था जागेश्वर धाम। वहाँ रास्ते में हम लोग रुके, वहाँ का जो पहाड़ों से निकला हुआ ठंडा पानी जो नलकी लगी होती है वो था, तो हम लोगों ने पी कर देखा, वाकई बहुत ठंडा था। ऐसा लग रहा है फ्रिज का पानी पी रहे हैं। जागेश्वर धाम जाने से पहले हमें मिला दंडेश्वर मंदिर, जहाँ के बारे में कथा है कि प्राचीन समय में कभी शिवजी भगवान यहाँ तपस्या करने आए थे। ऋषियों की पत्नियाँ शिवजी के उस नीले स्वरूप को देखकर उन पर मोहित हो गई थी, और जैसे ही ये बात उन ऋषियों को पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर शिवजी भगवान को श्राप दे दिया, और तभी से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर मंदिर पड़ गया। जागेश्वर धाम, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें ज्योतिर्लिंग का दर्जा मिला हुआ है और जिसे छोटे केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां ब्रह्मांड में सबसे पहली बार ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में, जहां सबसे पहले शिवजी की उपासना हुई। कई पुराणों में कई जगह पर इसके उल्लेख हैं। माँ वैद्यनाथ मनुषा व्रजन्तु काशीपुरी शंकर वल्लभावा माया नगया मनुजानयान्तु जागेश्वराख्यम तु हरम व्रजन्तु। इसका अर्थ है, मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करने चाहिए। अन्यथा यह है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। यहाँ पे जूते देखते हैं। अच्छा।
उसके बाद वहाँ पहुँचकर हम मंदिर में गए, अलग अलग मंदिर बने हुए थे तो अंदर प्रसाद चढ़ाया जहाँ शूट पॉसिबल नहीं था। ये पीछे वाला ना, जागेश्वर धाम में मंदिरों का निर्माण 7वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भी मान्यता है कि पहले जो भी कोई यहाँ अपनी मनोकामना मांगने आया करता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाया करती थी, पर क्योंकि इसका गलत दुरुपयोग होने लगा था तो जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने इस स्थान का भ्रमण किया और इस मंदिर की मान्यता को पुनर्स्थापित किया। और अब अगर यदि आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। जागेश्वर धाम इसलिए सबसे विशेष है क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड में सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही शुरू हुआ और जागेश्वर का नाम जागेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ शिव का जो जागृत रूप है वो विद्यमान है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। वैसे तो दूर दूर से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, पर यदि आप उत्तराखंड में ही रहते हैं या आसपास की जगह में रहते हैं और अभी तक आप यहाँ नहीं आए हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी एक बार आप ज़रूर आइए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि वो मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। आप जब खुद आएंगे तो वो फील कर पाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। हमें वापस हल्द्वानी के लिए भी निकलना था, मन तो नहीं था, इसलिए एक बार फिर से पूरा मंदिर घूमने के बाद हम लोग वापस निकल गए हल्द्वानी के लिए। उसके बाद हम अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा पहुँचकर हमने बाल मिठाई और सिंगोड़ी पैक कराई। उसके बाद हम पहुँच गए हल्द्वानी। नहीं थे तब मुझे नींद आ रही थी। नींद आ रही थी? हाँ। अब तो नहीं आ रही ना। और याद आ रही थी? याद आई थी। स्काई टू मेगा क्रिएटिव वर्ड बाय बाय। यू गाइस लाइक दिस वीडियो so please like share and subscribe। ईश्वर धाम शिव मेरे। please like share and subscribe to my channel। thanks for watching।